तो आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे. कुछ सवाल हमने पहले से सोच के रखे कि मैं चाहती हूँ आप लोगों की हर बात हम सुने और उससे सीखें. पहला सवाल, पहली मर्तबा जब माँ बनने की खबर सुनी. सही है, पहली दफा जब आपको पता चला कि ओ माय गॉड. अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी हम लोग आए हैं गेस्ट, उसमें मेरे ख्याल से मेरी जो बेटी है वो सबसे बड़ी है. बड़ी है तो मैं, मेरा सबसे ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए याददाश्त थोड़ी सी कम नहीं, लेकिन आपका सबसे छोटा तो अभी यंग है ना, तो वो थोड़ा फ्रेश है आपका. ओके, मेरी तो माशा से शी 13 इयर्स ओल्ड, तो काफी पुरानी, थोड़ी सी भूल जाती है, चीजें याददाश्त मतलब याद नहीं रही हैं, लेकिन आई एम श्योर विद टाइम जब लोगों की किस्से सुनूंगी तो अपना भी याद आ जाएगा. तो ब्लंडर्स इतने हुए कि मैं नहीं भूलूं अपने, बताऊंगी नहीं बड़ा वाला कितने साल का है, सबसे पुरानी मैं ही हूँ. लेकिन बिल्कुल रॉ, कुछ भी नहीं आता. कुछ भी नहीं. सो पहली दफा जब खबर सुनी, अगर मैं यहीं से शुरू करती हूँ, पहली दफा जब खबर सुनी, मुझे पता चला, तो मुझसे भी ज्यादा जो एक्साइटमेंट थी वो मेरे पूरे ससुराल में थी. हम सब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे. और मेरे मियाँ जो है, गुलदस्ता आया देवरों की तरफ से, सास की तरफ से मिठाई आई, मेरे मियाँ ने बाकायदा सेलिब्रेट की. उनको बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था, उनको 12 बच्चों का बाप बनना था, मैंने 3 का बनाया. मैंने ये कहा अगर तुम्हें 8, फिर 8 पे हुआ तो मैंने कहा भाई 3 मैं कर लेती हूँ, बाकी दूसरी से कर लूँ. मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकती. तो मेरे मियाँ को बहुत शौक था यंग एज में बाप बनने का. उस वक्त मुझे डर लग रहा था. तो वो जो खबर सुनाई दी, और वो खबर सुनाई दी थी, वो प्लान नहीं थी. हाँ, अनप्लान्ड. एक पहला तो होती है, अनप्लान्ड है. तो वो जो है, वो माशाल्लाह हमें, मेरे मियाँ ने वादा किया था, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी नंद की शादी थी, तो मेरे मियाँ ने वादा किया था कि मुझे हनीमून पे ले जाएंगे वो मेरी नंद की शादी के बाद. तो मैं सिर्फ इस इंतजार में थी कि मुझे भी हनीमून पे जाना है, और मैं हनीमून पे अभी तक नहीं गई थी. सो वो जो खबर सुनी, मैं एकदम हो गई. मैंने कहा अल्लाह, हनीमून तो रह गया. क्योंकि मेरी अम्मी ने समझाया था, बेटा तू 10 महीने की थी जब हम हनीमून पे गए थे. और फिर क्या हनीमून होता है. सो मुझे उस वक्त बस शल हो गई, भाई मेरा हनीमून, मुझे उस वक्त. शादी आप बताएं. मेरी तो थोड़ी सी अलग है कहानी, क्योंकि जब मैं अदनान को नहीं जानती थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो अदनान ने जो पहली बात मुझसे की थी, वो की थी कि सबकी सुनिएगा, करिएगा वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ. तो मैंने कहा वो क्या है, मुझे बच्चे अभी नहीं चाहिए. तो थोड़ा अपनी लाइफ को इंजॉय करें, बिकॉज मैं और अदनान तो बिल्कुल ही अलग अलग फैमिलीज़ के थे. थोड़ा लाइफ को इंजॉय. फिर मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो हमारे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का. तो मैं एक साल गई नहीं जर्मनी. अब मैं तो मेरे दिमाग में बात बैठी थी कि इसको अभी बेबी नहीं चाहिए. तो जब मैं जर्मनी गई, वो टाइम गुजरा, पापा को थोड़ा सेटल डाउन किया, एंड ये न्यूज़ मुझे उसी साथ, क्योंकि ना मैं भी नहीं गई आज तक अपने हनीमून पे. हमारे दुख एक जैसे. नहीं नहीं, मैं प्रेगनेंसी में गई थी, वो आगे सवाल आएगा तो बताऊंगी. अच्छा, तो वो फिर जब ये न्यूज़ आई, मेरी तबीयत वहाँ मुसलसल ख़राब. तो मेरी जेठानी वहाँ रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक दफ़ा चेक कर लें. मैं कहा नहीं नहीं ऐसा है. तो लेकिन जब हुआ, तो मैं 1 घंटा वॉशरूम से बाहर ही नहीं आई थी. मुझे डर था कि अब मैं बताऊंगी तो इसका रिएक्शन क्या आएगा. ओह माय गॉड, इतनी मैं डरी हुई थी कि मुझे तो समझ ही नहीं. एंड जब मैं आई डरते डरते, मैंने आके नाई, मैंने कहा नान ये आया है. वो जितना खुश था, और जिस तरह से मुझे हक किया, और जिस तरह से मुझे कहते सच बताओ, यकीन बता, तुम झूठ तो नहीं बोल रही, तुम उसे मजाक तो नहीं. मैं कहा मैं मजाक क्यों करूँ, और मैं रो रही. मैं कहा आप इतने खुश क्यों हो रहे. कह रहे मतलब ये खुशी की बात है, तुम पागल तो नहीं हो. मैंने कहा आपने तो मुझसे कहता. अरे वो तो उसके जज्बात में आदमी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन तुम ये सोचो कि वाकई तुम सच बताओ. और वो पागलों की तरह मतलब एक एक को फ़ोन में. मैंने कहा अरे रुक तो जाए, पहले डॉक्टर तो कन्फर्म करें आप, मतलब ये तो. वो बहुत खुश था, और मैं अपने आप सर पकड़ के बैठी थी कि मैंने 1 घंटा जो रो रो के बाहर अंदर गुजारा, वो मैंने क्यों गुजारा. बट वो सही बात है कि वो लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आप भूल ही नहीं सकते. बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको लाइक इस तरह का वेलकम मिलता है, जो मुझे मिला, जो आपको मिला. जी रबीका, यहाँ क्या हुआ. मेरी जब फर्स्ट न्यूज़ मुझे पता चली थी, तो हम दोनों बहुत यंग थे, और मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पता चला कि अब हमने कंसीव कर लिया है. तो मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मतलब
एक आपका वो होता है, आप प्लान करते हो कि अब मतलब ये टाइम है अब हमने करना है, तो हम लोगों ने प्लान नहीं किया हुआ था और अचानक से न्यूज़ पता चल गई थी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि अब मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं कपड़े मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, मैं प्यारी नहीं लगूँगी। और मुझे आज भी याद है, शिफात बहुत मुझे तंग करते हैं कि मैंने उनको कहा था मैं अब जीन्स कैसे पहनूंगी, मैं जीन्स नहीं पहन सकती, जो कि बहुत ही स्टूपिड बात थी, अब मैं रियलाइज़ करती हूँ। लेकिन मैं बहुत देर रोती रही थी इस बात को सोच के कि ये क्या हो गया, बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया, और मैं मोटे होके कैसे सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि उस वक्त लड़कियों को ये सोचती हैं, वो ये सोचती हैं कि बस अब ये हो गया, अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब तो नादानी में बच्चियाँ होती हैं, ये सोचती होती हैं, उनको ये लगता है कि बस अब आगे लाइफ तो मेरी रहेगी नहीं मेरी, और मैं यही बातें सोचती थी कि बस अब सारी ज़िंदगी बस मुझे बच्चे ही पालने पड़ेंगे और बस मेरा अपनी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट जो आप बता रही हैं उसे बिल्कुल डिफरेंट था। मैं तो बस रो रो के फिर बहुत टाइम बाद तक मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सेप्ट किया कि अच्छा सही है, ठीक है। पैदा होने के भी 1 ईयर बाद फिर मुझे वो हुआ कि अच्छा सही, कुछ नहीं होता कि आपको सिर्फ फील होता है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, सारी चीज़ें अल्लाह ताला सब ईजी कर देता है, और जब आप रेडी होते हो तभी अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा प्लान किया होता है।